ओ यार, वैसे कितनी गलत बात है यार। बाबा को नेहा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको अभी भी उनके खानदान का एहसास है? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितना बुरा लगा होगा माँ को। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि उस नेहा की क्या प्लानिंग हो रही होगी। उसको छोड़ो, वो तो मरीख में भी कुछ ना कुछ कर लेगी। तो मरीख को छोड़ें, अपने जमीनी हथियार रेडी रखें। अबे तुम लोग दोनों यहाँ गप्पे लगाने बैठ गए हो, मेरा क्या होगा ये बताओ। हाँ यार बाबा फिलहाल नहीं हो सकता इतने पैसों का बंदोबस्त। घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारोगे तो ऐसे ही होगा ना, अच्छा खासा 1.5 लाख का चेक वापस कराए। आपके दिमाग में तो वही 1.5 लाख अटका हुआ है। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और सरमत का मामला है। इसी के कहने में मैंने बुकिंग कराई थी और मेरे क्रेडिट कार्ड पे कटौती भी हो गई, अब कौन भरेगा मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल। मैंने आपसे ये कब कहा था? कमर के साथ साथ लगता है दिमाग का भी पट्टा हिल गया है। तुमसे पूछा था मैंने, तुमने कहा था जो मर्जी आया करो। अरे बाबा वो मैंने गुस्से में कहा था। है तो हम लोग वीडियो कॉल पे थोड़ी थे जो मैं तुम्हारे चेहरे के जाविये पहचान लूं। भरे इनके 5 लाख अपना गुर्दा बेचकर। हाँ गुर्दा तो तुम भी भेज सकते हो, एक बार हुक्म दे कुतुब। आप हर बात में उनको बीच में क्यों लाते हैं? इसलिए कि वही तुम्हें भड़काता है अपने बाप के खिलाफ। बहन का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, लगाते रहे गलत अंदाजे। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, अभी या 1 महीने बाद मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल। एक तो बेरोजगारों, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, उस पर से इस मुश्किल में मुझे फंसा दिया है। किसी को फिक्र ही नहीं है कि मेरा होगा क्या। ओ बहन, चश्मा निकल आएगा पानी का, जमीन घिस दी है तुमने टहल टहल कर। बहुत अपसेट हूँ। तो ऐसे पंगे लेती है क्यों वो, जिससे तुम्हारी जेब खर्च बंद हो जाती है? अब्बा का भी जोर सिर्फ जेब खर्च पर होता है। यार 5-10 हजार की बात होती ना तो मैं खुद ही कर देती। 80,550 रुपए देने मुझे लैपटॉप के, वो भी कल। कैसे करूंगी मैं ये? दद्दू से ले लो। नहीं, वो तो खुद पछता रहे अपनी सारी सेविंग्स का इन्वेस्ट करके। चलो यक ना शुद्ध दोष। और मेरा कोई ऑप्शन निकाल ना, कुछ कर। एक ऑप्शन है मेरे पास जिससे 1 लाख तक तो इकट्ठा हो ही जाएगा। पता छोड़ यार, बहुत मुश्किल है तेरे लिए। अरे मेरी जान, इस काम के लिए मिनारे पाकिस्तान से भी छलांग मारनी पड़े ना, मार दूंगी। तू बस काम बता। नहीं यार बहुत चीप है। अरे चीपनेस को मारो गोली, बता। अच्छा इस बार का एडमिशन टेस्ट तुम्हारे अब्बू बना रहे ना? हाँ हाँ। बस वो मुझे चाहिए अपने कजिन के लिए। लेकिन वो तुम्हें मैं कैसे दे सकती हूँ? चोरी करके। बहन अब्बा के बनाए हुए पेपर्स अगर मैंने आउट कर दिया ना तो अब्बा मुझे इस दुनिया से आउट कर देंगे। आउट नहीं करना, हेल्प करनी है, वो भी मेरे कजिन की। मतलब तो एक ही हुआ ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से। यार अफान बहुत टेंस है। अरे भाई ये जो भी है अफान तूफान, उसको बोलो तैयारी करे। अब्बा के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना कोई खाला जी का घर नहीं है। यार नेहा वो फेल हो गया तो खालू टांगे तोड़ देंगे उसकी। हाँ फेल तो वो होगा अब्बा के टेस्ट में, एक दुनिया पना मांगती है उनके बनाए हुए क्वेश्चन पेपर से। खालू भी यही कहते हैं, वो नहीं एडमिशन टेस्ट पास कर पाएगा, इसलिए तो उसे नौकरी पे लगा रहे हैं।